नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मति के अध्ययन के 18वें सप्ताह में। हम 16वें अध्याय को इस सप्ताह देखेंगे। आज पहला दिन है और मैं चाहता हूं कि आप यीशु और उनके चेलों के बीच की बातचीत को सुने। इस बातचीत का आरंभ धर्मशास्त्रियों के साथ वार्तालाप से होता है। ठीक ऐसा ही वार्तालाप हमने अध्याय 12 में भी देखा था, पर उसके बाद जो यीशु की बातचीत उनके चेलों के साथ हुई वह बताती है कि क्यों हम कई बार यीशु की बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। सुनिए पद 1-12 में क्या हुआ। और फरीसियों और सदूकियों ने यीशु के पास आकर उससे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो कि मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। इस युग के बूढ़े और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्हों को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। अब यहां से आप ध्यान से सुनिए। और चेलों के झील के उस पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम तो रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और न ही यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 टोकरियां, और न यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा परंतु फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए कहा था। यीशु और उनके चेलों के बीच संवाद मेरे को बहुत ही मजेदार लगता है, क्योंकि इसमें एक गजब की आत्मीयता है। पर उनका यह कहना कि हम तो रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है, इस बात को भी उजागर करता है कि हम यीशु की बातों का किस तरह से गलत मतलब निकाल लेते हैं। वो लोग रोटी लाना भूल गए थे और अपनी इस गलती से परेशान थे, क्योंकि यीशु ने खमीर की बात की थी तो उनको लगा कि यीशु उनकी रोटी न लाने की गलती के बारे में बात कर रहे हैं। वे लोग यीशु की बात को अपनी भूल के चश्मे से देख रहे थे, और हम भी यीशु की बातों को ऐसे ही हमारी गलतियों की या फिर हमारे दोष की, हमारे उस दोष जो हमने गलत काम किए हैं उसके चश्मों से हम देखते हैं। हम यीशु के वचन को अपनी भावना के माध्यम से देखते हैं, पर जो हम सुनते हैं यीशु वह कह ही नहीं रहा होता। हम सबके अंदर एक अनजान दोष की भावना है, एक अपराध बोध है। सोचिए अगर मैं कहूं कि मैं आपके बारे में सब कुछ जान गया हूं, तो आप शायद थोड़ा सा डर जाएंगे। आपको लगेगा कि यह विवेक भाई मेरे बारे में ऐसा क्या जान गया है, ऐसा मैंने क्या क्या गलती की थी जो मेरे बारे में वो जान गया है, कहां मैंने कुछ दोष किया था, क्योंकि आप मेरी बातों को अपने दोष के चश्मे से देख रहे हो। पता नहीं कि मैंने क्या गलत किया होगा जो विवेक भाई को पता चल गया। हर परमेश्वर के वचन को भी हम इसी दोष की चश्मे से देखते हैं। अगर आपके साथ मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो पहला ख्याल यही आता है कि शायद परमेश्वर मुझे दंडित कर रहे हैं। हम अपने दोष के चश्मे से अपनी परिस्थितियों को देखने लगते हैं, जबकि पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर अपनी संतानों को दंडित नहीं करता। हाँ, वह हमें अनुशासित करता है जिससे हमें विकास हो, हम बढ़ें, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी हो, और वह दंड नहीं है, वह अनुशासन है। पर हम उसे अपने दोष के चश्मे से देखते हैं, अपने अपराध बोध के चश्मे से देखते हैं, और कई बार हम अपनी गलतियों के चश्मे से देखते हैं। उन्होंने एक गलती की थी, वे रोटी लाना भूल गए थे, इसलिए यीशु ने जो कहा उन्होंने फट से अपनी भूल के साथ उसको जोड़ लिया। और हम भी यही करते हैं, हमारे साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है। आपने दफ्तर में शायद कुछ गलती कर दी, और अगले दिन जब आप दफ्तर वापस जाते हैं तो आपको लगता है कि सब कोई आपको ही घूर रहे हैं, सब कोई आपको ही देख रहे हैं, आपको देखकर कुछ फुसफुसा रहे हैं। पर शायद सच्चाई यह है कि आपने जो किया है आपकी गलती के बारे में, ना तो उनको कोई जानकारी है, ना उससे उन्हें कोई मतलब है, और आपको वह बातें सुनाई देने लगती हैं जो उन्होंने कभी भी कही नहीं होती। हम सब कुछ अपने चश्मे से ही देखते हैं और सुनते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपके
जीवन में जो अनुभव हैं वो बुरे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे किसी कारण से क्रोधित है, वो किसी कारण से नाराज है, तो आप गलत चश्मे से देख रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध समाप्त हो चुका है, वो यीशु के क्रूस पर समाप्त हो चुका है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के संतान बन गए हैं और फिर भी आपको लगता है कि वह गुस्से में है, तो आप अपनी पुरानी गलतियां, पुराने अपराध बोध के चश्मे से देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं हैं, और आप अपने आप को अपर्याप्त समझते हैं, और आपको लगता है कि परमेश्वर आपके साथ कुछ नहीं करेगा, तो आप परमेश्वर से नहीं सुन रहे हैं, आप गलत चश्मे से देख रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हो? हम क्या करें? वही करते हो जो यीशु ने अपने चेलों के साथ किया। आप वापस से यीशु के पास जाते हो और पूछते हो कि क्या कहना चाहता है यीशु, क्या कहना चाहता है, क्योंकि आप वो सुनना चाहते हो जो यीशु ने बोला, न कि वो जो आपको लगा कि यीशु ने बोला, जो उसने कभी नहीं बोला। यीशु ने अपने चेलों के लिए वही किया, उसने वापस से दोहराया, तुम क्यों नहीं समझते कि तुम से मैं रोटियों के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, परंतु फरीसियों के और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। और तब उनको समझ में आया कि उनसे रोटी की खमीर की बारे में बात नहीं कर रहे थे, फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा के बारे में यीशु कह रहे थे। यहाँ तो यीशु कहना चाह रहे थे कि यह है कि उन लोगों से सावधान रहो जिनके पास सिर्फ नियम है, सिर्फ कानून है, पर परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। देखिए, जब आप पुराने और नए नियम का अध्ययन करते हैं तो आप यह देखते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे कानून थे, व्यवस्था थी, पर कुछ ही गिने चुने लोग इसको पूरा कर पाए। अधिकतर लोग, उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध ही नहीं था, वे अपने आप को हमेशा परमेश्वर से दूर ही पाते थे। पूरे नए नियम में, पर नए नियम में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल भी नहीं है। यीशु ने कहा कि बस दो ही नियम है, परमेश्वर से प्रेम करो और पड़ोसी से प्रेम करो। तो नियम कानून नहीं है, संबंध है, एक घनिष्ठ संबंध है परमेश्वर के साथ। और सच्चाई यह है कि संबंध जितना ज्यादा मजबूत होता है, उतने ही कम नियमों की आवश्यकता होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको बहुत सारे उन पर नियम लागू करने पड़ते हैं और जरूरत होती है, पर बड़े होने पर अगर वही नियम लागू करने पड़े, तो इसका मतलब यह है कि बच्चा बड़ा नहीं हुआ है और संबंध में मजबूती नहीं आई है। इसलिए बड़े होने पर बच्चे को नियम लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, जब हम शादी करते हैं, जब नई शादी होती है, तो बहुत सारे नियम हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तौलिया कैसे रखना है उसको तय करके, कपड़े कैसे रखने हैं, और ये सब बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पर जैसे जैसे पति पत्नी साथ रहते जाते हैं, उनके संबंध में एक करीबी आती है, वो एक दूसरे को समझने लगते हैं, और उसके बाद ये नियमों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उन्हें पता होता है कि सामने वाले को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और उसको वो वैसे ही करने लगते हैं, क्योंकि उनके आपस में प्रेम, उनके आपस में एक समझ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। नियम कम होते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। इसलिए यीशु कह रहे हैं कि उन लोगों से सावधान रहो जो नियमों की हिमायत करते हैं, पर परमेश्वर से उनका कोई रिश्ता नहीं होता। साथ में यीशु यह भी कह रहे हैं कि उन लोगों से भी सावधान रहो जो आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं पर सत्य को नहीं बोलते। हम जानते हैं कि विज्ञापन के साथ इस संसार में यही होता है, विज्ञापनों के द्वारा चीज़ें बेची जाती हैं, जहाँ पे बहुत ही आत्मविश्वास के साथ चीज़ें बोली जाती हैं जो सच नहीं होती। परंतु आध्यात्मिक बातों के साथ भी ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे मिथ्या शिक्षक हैं जो वो बातें बोलते हैं बहुत आत्मविश्वास के साथ, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं पर सच्चाई नहीं होती। इसलिए यीशु कहते हैं कि सदूकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, यानी धार्मिक लोग जो हैं, जब आपको धार्मिक दिखाते हैं, ऐसे लोगों के खमीर से सावधान रहो। खमीर वह चित्र है, वो शिक्षा का वह चित्र है जो पूरे मंडली में जाकर, पूरे संगठन में घुसकर वो उसको बदल डालता है, उसको खत्म कर देता है। तो सावधान रहिए उस शिक्षा से जो आत्मविश्वास के साथ तो होती है, परंतु वो नियमों के आधार पर है, अनुग्रह के सुसमाचार के आधार पर नहीं है। तो हम वापस उस बारे पे बात करते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि कैसे हम यीशु
जो हमें बोल रहा है उससे ना उसे ना समझकर उसके बातों का हम गलत मतलब निकाल लेते हैं। हम अपनी गलतियों और दोष में इतने मगन हो जाते हैं, अपने अपराध बोध में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि हम यीशु के वचन को उसी चश्मे से देखने लगते हैं। और ये मेरे लिए और आपके लिए एक विनम्रता का मौका है। विनम्रता यह मानने की कि हम सब के साथ ऐसा होता है, और इसका उत्तर है कि यीशु के पास वापस जाओ। अगर आप जीवन के किसी भाग में आपको ऐसा लगता है कि आप निकम्मे हो, परमेश्वर आपसे क्रोधित है, परमेश्वर की आपके जीवन के लिए कोई योजना नहीं है, तो मैं आपको आमंत्रण देता हूँ कि मेरे साथ प्रार्थना करने का और वापस से समझने का कि यीशु आपके बारे में क्या बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने एकमात्र पुत्र दे दिया, एकमात्र पुत्र दे दिया। यीशु आपको शांति देने आया, आपको प्रेम देने आया, आपको अनुग्रह देने आया, आपको क्षमा देने आया, और वो बहुत ही शक्तिशाली तरह से आपको ये सब देने के लिए आया है। आइए कुछ समय प्रार्थना में हम बिताते हैं। यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे प्रेम के चश्मे से देखें, अपने दोष के, अपने अपराध बोध के, अपने गलतियों के चश्मे से उसको उतार कर हम साइड पर रख दें। जो गलती हमने पहले की हैं वो सब खत्म हो चुका है क्रूस के ऊपर, क्योंकि उसका दंड तूने अपने ऊपर ले लिया है। हमें तेरी आवाज़ सुननी है, मदद कर हमारी तेरी सही आवाज़ सुनने में, प्रेम की आवाज़, सामर्थ्य की आवाज़, नए रिश्ते की आवाज़। हम तेरे साथ एक संबंध चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, वो रिश्ता जो हमारे जीवन को बदल दे। हमें नियम और व्यवस्था नहीं, पर वो जीवन चाहिए जो तू हमें देता है। तो यीशु, हम तेरे पास आते हैं, तेरे को सुनना चाहते हैं, मदद कर हमें वो सुनने में जो तू हमसे कह रहा है। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम पत्रस के विश्वास के अंगीकार को देखने वाले हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।